नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह और चलिए रुख करते हैं देश दुनिया की इस वक्त से जुड़ी 100 खबरों का। कोची और कारवार में दो दिवसीय दौरे पर है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नौसेना की परियोजनाओं की करेंगे समीक्षा। बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा ने लिया बड़ा फैसला, सभी विधायकों से मानसून सत्र से पहले कोरोना वैक्सीन लगवाने की अपील ताकि समाज पर पड़े सकारात्मक प्रभाव। धर्मांतरण पर उमर गौतम का बड़ा खुलासा, दावत से इस्लाम तक पॉलिसी का करता था इस्तेमाल। कोरोना के डेटा प्लस वेरिएंट ने उड़ाई नींद, एम्स निदेशक ने कहा लॉकडाउन वैक्सीन और कोविड प्रोटोकॉल सबसे बड़े हथियार, सभी को कोविड 19 प्रोटोकॉल का करना होगा पालन। शोपिया में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकी ढेर, मुठभेड़ स्थल से हथियार और गोला बारूद हुए बरामद। ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर अल्पन बंदोपाध्याय को प्रताड़ित करने का लगाया आरोप, उन्होंने कहा हमारी सरकार उन्हें देगी पूरा सहयोग। दिल्ली भाजपा के व्हाट्सएप ग्रुप से हटाए गए प्रवक्ता, पार्टी प्रवक्ताओं को हटाने के बाद दिल्ली भाजपा में कलह। झारखंड में 1 जुलाई तक बढ़ा लॉकडाउन, किसी भी तरह की नहीं मिलेगी छूट, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में हुआ यह फैसला। टॉयकैथन 2021 के प्रतिभागियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी ने की बातचीत, इस दौरान पीएम ने कहा परंपरा और तकनीक भारत की सबसे बड़ी ताकत। जम्मू कश्मीर पर सर्वदलीय बैठक से पहले डोगरा फ्रंट ने किया महबूबा का विरोध, प्रदर्शन के दौरान जेल में डालने की मांग। चीन के खिलाफ भारत के साथ आया यूरोपीय संघ, पुर्तगाल ने बताया सुनियोजित प्रतिबंधी। सोनिया ने टीकाकरण की रफ्तार को लेकर जताई चिंता, तीसरी लहर की तैयारियों पर दिया जोर। जेडीयू की नई प्रदेश समिति का हुआ गठन, 33% महिलाओं समेत कई चेहरों को मिली जगह। डेल्टा प्लस वेरिएंट से देश के पहले मरीज की उज्जैन में हुई मौत, 2 साल की बच्ची में मिला था वायरस। राजस्थान में के चुरू में पूर्व केंद्रीय मंत्री राजवर्धन के नाम पर ठगी, नौकरी का झांसा देकर उड़ाए गए 4.5 लाख रुपए। सुल्तानपुर में दबंग युवक ने दबंगों के साथ हुई जमकर मारपीट, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर इस वक्त वायरल। कानपुर में क्राइम ब्रांच ने की छापेमारी, छापेमारी के दौरान 2.5 करोड़ की नकली दवाएं हुई बरामद। सुल्तानपुर में बच्चों के चलते दो पक्षों में हुआ भीषण विवाद, जमकर चले पत्थर, हुई हवाई फायरिंग। हरदोई में घर में घुसकर महिला के साथ किया गया रेप, आरोपी ने महिला के गले पर चाकू रखकर रेप की वारदात को दिया अंजाम। सीतापुर में भाजपा विधायक के बहनोई संजय वर्मा को अज्ञात बदमाशों ने मारी गोली, फायरिंग करते हुए बदमाश मौके से हुए फायर।
रामपुर में एसओजी और पुलिस टीम से गौ तस्करों की हुई मुठभेड़। मुठभेड़ में 6 गौ तस्करों को किया गया गिरफ्तार। एम्बुलेंस से होती थी गौ मांस की सप्लाई। प्रयागराज में सपा के कार्यकर्ताओं ने हाउस और वाटर टैक्स को लेकर किया प्रदर्शन। बढ़ी दरों को वापस लेने की उठाई मांग। मैनपुरी में अज्ञात वाहन ने पुजारी को मारी टक्कर। गंभीर रूप से घायल हुआ बुजुर्ग। पुलिस ने पुजारी को अस्पताल में कराया भर्ती। महाराजगंज में पुलिस ने अपराधों की रोकथाम के लिए चलाया तबंचा अभियान, जिसके तहत पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। लखनऊ के वजीरगंज में बारिश से गिरी 3 मंजिला जर्जर इमारत। जर्जर भवन के गिरने से एक युवक की हुई मौत। राज्य महिला आयोग अध्यक्ष ने रानी झलकरी बाई अस्पताल का किया औचक निरीक्षण। अस्पताल की स्थितियों का लिया जायजा। खामियां मिलने पर अस्पताल के स्टाफ को लगाई फटकार। लखनऊ में कांग्रेस पार्टी की आयोजित हुई प्रेस वार्ता। सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा, प्रदेश में आवाज उठाने वालों को जेल भेज रही है सरकार। कानपुर में ब्लैक फंगस का दिखा नया स्वरूप। ऑप्टिक न्यूराइटिस का पहला मरीज आया सामने। मरीज को हैलेट अस्पताल में कराया गया भर्ती। कानपुर में दबंगों की युवती से छेड़छाड़ मामले के बाद दहशत में आए 10 हिंदू परिवार। पुलिस द्वारा सही कार्रवाई न करने पर पलायन को मजबूर। जौनपुर में तालाब में डूबकर 3 बच्चों की हुई मौत। तालाब में नहाते समय हुआ हादसा। मौत के बाद परिवार में कोहराम। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। लखनऊ पुलिस कमिश्नर ने कैसरबाग सर्किल का किया अर्दली रूम। शिकायती पत्रों पर निस्तारण के खंगाले मामले। यूपी में 5 आईपीएस अफसरों के हुए तबादले। एसडीआरएफ की 5 बटालियन का हुआ गठन। सेना नायक के तौर पर आईपीएस को किया गया तैनात। कानपुर देहात में जमीनी विवाद के चलते 2 पक्षों में हुई जमकर मारपीट। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। उन्नाव में पत्रकार को बदमाशों ने मारी गोली। गोली मारकर अपराधी हुए फरार। बीते दिनों अवैध वसूली को लेकर हुई थी लड़ाई। कानपुर में 2 युवकों ने महिला फार्मासिस्ट से की टप्पेबाजी। तंत्र मंत्र करके महिला से उतरवाए जेवर। आगरा के शमशाबाद थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े लूट की वारदात से फैली सनसनी। फाइनेंस कर्मियों के साथ बदमाशों ने लूट की दिया को वारदात को दिया अंजाम। कानपुर के काकादेव थाना पुलिस को मिली बड़ी सफलता। भीख मांगने वाली 8 महिलाओं को किया गया अरेस्ट। गोद में बच्चा लेकर मांगती थी भीख। कानपुर नगर में संयुक्त विपक्ष मोर्चा पार्टी की हुई बैठक। बैठक में राष्ट्रपति को जन समस्याओं के बारे में ज्ञापन देने की हुई मांग। कौशाम्बी के बैरोचा गांव में सफाई कर्मियों के न आने पर लगा गंदगी का अंबार। गंदगी से राहगीरों को भारी समस्याओं का करना पड़ता है सामना। रायबरेली पहुंचे सपा प्रवक्ता सुनील साजन। ग्रामीणों और पुलिस के बीच हुए झड़प मामले में ग्रामीणों को किया आश्वस्त। बीजेपी सांसद कौशल किशोर पर लगा किडनैपिंग का आरोप। सांसद की बहू के पिता ने अपनी बेटी को अगवा करने का लगाया आरोप। सांसद ने सभी आरोपों को किया खारिज।
सोनभद्र में खड़िया प्रोजेक्ट में मलबा ढहने से 3 बच्चों की हुई मौत। पुलिस ने एनसीएल खड़िया के माइंस क्षेत्र से नाले से निकाले 3 बच्चों के शव। आगरा में सामने आया सामूहिक दुष्कर्म का मामला। पीड़िता और उसके पति पर राजीनामा पर दबंगों ने बनाया दबाव। प्रयागराज में हो रही बारिश का दिखा असर। 3 दिनों के भीतर संगम नदी का 1 मीटर के करीब बढ़ा जलस्तर। रायबरेली में मुस्लिम अधेड़ ने पहचान छिपाकर की शादी। हिंदू विधवा से मंदिर में की है शादी। अल्मोड़ा में प्रशासन के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन। सड़क ना बनने से नाराज हैं लोग। शिकायतों के बाद भी नहीं जाग रहा प्रशासन। चमोली में लगातार बारिश ने मचाई तबाही। बादल फटने से गिरी बिल्डिंग की दीवार। तहसीलदार ने निरीक्षण के बाद दिए कार्यवाही के निर्देश। हल्द्वानी में वन विभाग ने चलाया ऑपरेशन मॉनसून। जंगल में हो रही हर गतिविधियों पर रखी जाएगी नजर। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण के सचिव आयुर प्रांत अभियान पतंजलि के सहयोग से हुई इसकी शुरुआत। औषधीय पौधों को हर घर पहुंचाने का रखा गया है लक्ष्य। स्वास्थ्य विभाग के सीएमओ ने रायसी स्वास्थ्य केंद्र का किया औचक निरीक्षण। स्वास्थ्य केंद्र पर चल रहे वैक्सीनेशन व्यवस्थाओं का लिया जायजा। मंसूरी में 27 सूत्रीय मांगों को लेकर व्यापार मंडल ने निकाला पैदल मार्च। इस दौरान पुलिस और व्यापारियों के बीच हुई तीखी नोकझोंक। मजिस्ट्रेट और सीओ ने व्यापारियों को कराया शांत। सितारगंज में यातायात पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान। नियम तोड़ने वालों का काटा गया चालान। कई वाहनों को भी किया गया सीज। उधम सिंह नगर में कांग्रेस ने निकाला मशाल जुलूस। इस मशाल जुलूस में महिलाओं ने किया विरोध। ऋषिकेश में कोरोना की तीसरी लहर से निपटने की तैयारियां शुरू। बच्चों में बढ़ सकता है संक्रमण का खतरा। एम्स में 100 बेड का बनेगा कोविड वार्ड। लक्सर में डीएम ने लगाया बहुउद्देशीय शिविर। शिविर में बाढ़ को लेकर ग्रामीणों ने दर्ज कराई शिकायतें। भाजपा के पूर्व जिला उपाध्यक्ष के नेतृत्व में निःशुल्क टीकाकरण कैंप का किया गया आयोजन। 18 साल के ऊपर के लोगों को लगी पहली डोज। रुद्रप्रयाग में ज्वेलर्स की दुकान में हुई चोरी का पुलिस ने किया खुलासा। 3 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। खुलासा करने वाली टीम को एसपी ने इनाम देने की घोषणा। ऋषिकेश में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मनाई गई पुण्यतिथि। विधानसभा अध्यक्ष ने किया माल्यार्पण। उनके बताए मार्गों पर चलने का किया आवाहन। विकासनगर में खतरे में है पौष्टिक तत्वों से भरपूर घराट का अस्तित्व। सिंचाई विभाग की लापरवाही बनी वजह। लोगों की रोजी रोटी पर बना खतरा। हरिद्वार कुंभ कोरोना जांच में फर्जीवाड़ा। आरोपित लैब ने खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाजा। लैब ने मुकदमा निरस्त कर गिरफ्तारी रोकने की लगाई मांग। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 149 नए मामले आए सामने। 5 मरीजों की हुई मौत। ब्लैक फंगस बढ़ा रही इस वक्त मुसीबतें। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने लगाई सरकार को फटकार। बच्चों के कोरोना महामारी से बचाने के लिए नाकाफी व्यवस्थाओं को लेकर स्वास्थ्य सचिव से जताई नाराजगी।
आईएमए ने फिर बढ़ाई रामदेव की मुश्किलें। देहरादून में बाबा रामदेव के खिलाफ दी तहरीर। पतंजलि की कोरोनिल दवा पर उठाए सवाल। सीएम तीरथ सिंह रावत से मिले कर्मकार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष सत्याल। लगाई संरक्षण की गुहार। केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार पर उत्तराखंड की नजर। राज्य के सांसदों के अलावा एक पूर्व मुख्यमंत्री तक के नाम की है चर्चा। पुस्तकालय निर्माण भ्रष्टाचार मामले में हाईकोर्ट ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को जारी किया नोटिस। नैनीताल में राजस्थान और यूपी से ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह के 4 सदस्यों को किया गया गिरफ्तार। स्मार्ट क्लास निर्माण में धांधली मामले में केंद्र व राज्य सरकार के साथ ही शिक्षा सचिव को जारी हुआ नोटिस। बागेश्वर में असंतुलित होकर खाई में गिरी कार। 2 लोगों की हुई मौत। बाजपुर के जगन्नाथपुर की प्रधान की कुर्सी पर पड़ सकती है खतरे में। एसडीएम की जांच में प्रधान का ओबीसी जाति प्रमाण पत्र पाया गया अवैध। पाकिस्तानी पीएम इमरान खान बोले, कश्मीर मुद्दा सुलझ जाए तो न्यूक्लियर बॉम्ब की जरूरत नहीं। अमेरिका के खिलाफ पुतिन का बड़ा कदम। अमेरिकी एनजीओ बॉर्ड कॉलेज का पर लगाया गया प्रतिबंध। गट बैक्टीरिया कोरोना के खिलाफ हो सकता है कारगर। योसेई यूनिवर्सिटी की स्टडी में हुआ खुलासा। न्यूजीलैंड में 12 से 15 साल के बच्चों के लिए फाइजर वैक्सीन को मंजूरी। 2 खास वजहों से लिया गया है फैसला। यूएस से रिश्ते सुधारने के पक्ष में नहीं है ईरान के नए राष्ट्रपति। इब्राहिम रईस ने बाइडेन से मिलने से किया साफ इनकार। फिलीपींस के राष्ट्रपति की चेतावनी, कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाने वालों को जाना पड़ सकता है जेल। नॉर्थ कोरिया का दावा, 30,000 सैंपल की हुई है टेस्टिंग। आज तक नहीं मिला कोरोना का एक भी केस। भारत में फाइजर वैक्सीन को जल्द मिलेगी मंजूरी। सीईओ ने कहा, डील फाइनल स्टेज में। अफगानिस्तान में बढ़ती हिंसा, चीन ने नागरिकों को दिया तत्काल युद्धग्रस्त देश छोड़ने का आदेश। दुनिया के सबसे खुशहाल देश फिनलैंड को सता रही है एक चिंता। कामगारों के लिए लगा रहा है गुहार। अक्षय कुमार रक्षाबंधन के बाद दोबारा शुरू करेंगे राम सेतु की शूटिंग। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान अक्षय हुए थे कोरोना संक्रमित। खतरों के खिलाड़ी सीजन 11 की कैपटाउन की शूटिंग खत्म। वापस लौटे स्टार्स, एयरपोर्ट पर दिखा गजब का टशन। निकी तंबोली का नया गाना शांति हुआ रिलीज। वीडियो देख थिरकने पर हो जाएंगे आप मजबूर।
दिव्या दृष्टि फेम सना सैयद की हल्दी रस्म की फोटोज हुई वायरल, 25 जून को है सना सैयद की शादी। दोस्ताना 2 में कार्तिक आर्यन की जगह लेंगे अक्षय कुमार, फिल्म के लिए फैंस को करना होगा इंतजार। राहुल गांधी को पीएम बनाना चाहती हैं दीपिका पादुकोण, दीपिका का पुराना वीडियो हुआ वायरल। खतरों के खिलाड़ी सीजन 11 में शेरों से घिरे नजर आए राहुल वैद्य, अचानक ही हवा में चलने हुए नीचे गिरे। निर्देशक राहुल ढोलकिया ने इस वजह से छोड़ी तापसी पन्नू की फिल्म शाबाश मिट्टू, अब जीश्री मुखर्जी संभालेंगे फिल्म की कमान। अमित कुमार के बाद कुमार शानू ने इंडियन आइडल को लेकर दिया बड़ा बयान, कहा गॉसिप से मिलेगी टीआरपी। केआरके और मीका सिंह के बीच छिड़ा है म्यूजिकल घमासान, सुअर सॉन्ग के बाद चैनल हुआ ब्लॉक। बैंकों के एनपीए खरीदेगा बैड बैंक, कई बैंकों की होगी हिस्सेदारी, जून अंत तक नियम आने की उम्मीद। माल्या मोदी और चौकसी पर बड़ी कामयाबी, ईडी ने बैंकों को लौटाए 9371 करोड़ रुपए। सेबी ने क्लीन साइंस श्रीराम प्रॉपर्टीज जेआर इंफ्रो प्रोजेक्ट के आईपीओ को मिली मंजूरी। नए इनकम टैक्स वेबसाइट की खामियां जल्द होंगी दूर, एफएम निर्माता निर्मला सीतारमण ने इंफोसिस के अधिकारियों के संग की समीक्षा बैठक। राशन की दुकानों पर अब तौल में नहीं होगी गड़बड़ी, कोटेदारों के लिए सरकार ने उठाए जरूरी कदम। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन बनी न्यूजीलैंड की टीम को मिला 12 करोड़ रुपए का इनाम, भारत को भी मिला 6 करोड़ रुपए का इनाम। न्यूजीलैंड के 3 खिलाड़ियों ने तोड़ा भारत का सपना, टीम को दिलाई वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप ट्रॉफी। डब्ल्यूटीसी फाइनल में ऐतिहासिक जीत के बाद विलियमसन ने जीत लिया दिल, कोहली को सम्मान देते हुए गले से लगाया। न्यूजीलैंड को बेस्ट टेस्ट टीम मानने से तैयार नहीं है विराट कोहली, कहा विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल बेस्ट ऑफ 3 होना चाहिए था। न्यूजीलैंड को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन बनता देख रो पड़े रॉस टेलर, इंटरव्यू के बीच नहीं रोक पाए अपने आंसू। और इसी के साथ प्राइम शतक में फिलहाल इतना ही, देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए अब बने प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।